दशा सुधारने का काम करें, क्योंकि गाली देने से वो सुधरने वाले नहीं हैं, मूछों पर ताव देने से हम जीतने वाले नहीं हैं। अगर हम जीतेंगे तो हमारी अपनी संस्कृति के आधार पर जीतेंगे, और जो हमारी जीत होगी वो परमानेंट होगी, उसको फिर हराने वाला कोई नहीं होगा। सबसे अहम मुद्दा है, उसको हम ना भूलें। जब तक उस अहम मुद्दे पर काम नहीं होगा, सांस्कृतिक परिवर्तन पर काम नहीं होगा, जब तक जो संस्कृति हिंसा की बात करती है, साम दाम दंड भेद की बात करती है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करती है, उस संस्कृति से तो निजात नहीं पाओगे, तो आप अपने आप को हमेशा खतरे में ही पाओगे। हमें अपने दुश्मन को सुधारने की नीति अपनानी है, उसको ख़त्म करने की नीति नहीं अपनानी है। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को मारा नहीं, प्रसेंजित को भेजकर उसकी हत्या नहीं करवाई, बल्कि उसके पास निहत्ते जाकर, बगैर सेना के जाकर उसको सुधार कर समाज में लेकर आए, उसको भिक्षु बनाया, अर्हत भिक्षु बना दिया, और वही हत्यारा जो समाज का नुकसान कर रहा था, भिक्षु बनने के बाद समाज का कल्याण करने लगा। और भरे समस्या का इलाज तो हमारा संस्कृति में है, लेकिन हम जो है लगातार संविधान संविधान और कानून चिल्ला रहे हैं। संविधान और कानून आपके लिए बेहद ज़रूरी है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन वो आपके लिए स्टैंड रिलीफ का काम कर सकता है, एक पेन किलर का काम कर सकता है, लेकिन आपको अपने चारों ओर जो मनुवादियों से घिरा हुआ समाज है, मनुवादी संस्कृति से आपका ही अपना समाज जो है, उसको सुधारने की संभालने की भारी आवश्यकता है। आप कहते हैं कि 85% हम हैं, लेकिन 85% पे आप देखिए कि कितना परसेंट समाज जो है उस संस्कृति को मानने वाला है। अभी राजस्थान में चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, वहाँ पे एक मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी सुबह सुबह देख रहा था रिजल्ट जो है कि पीछे चल रहे हैं। पीछे चलने का कारण क्या था? राजस्थान में आप जाकर देखिए तो मेघवालों का बहुत भौगोल्य है, बहुत भारी तादाद में है। अगर इस देश के, इस समाज के लोग तैयार होते तो गोविंद राव मेघवाल ने जो वहाँ पे सामाजिक परिवर्तन की लहर चलाई, जो उस पार्टी में रहते हुए भी आपके मिशन मूवमेंट की बात लगातार करते रहे, तो उसके बाद तो उनको हराने का दम किसी में होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हार रहे हैं और उस तरह हार भी गए हों। कैसे हार गए? आपके मिशन मूवमेंट का आदमी हार गया, आपकी संस्कृति की बात करने वाला आदमी हार गया। वो इसलिए हार गया क्योंकि आपके चारों ओर जो आपके ही लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, वो हमारी संस्कृति को जानते नहीं हैं, वो हमारे मिशन मूवमेंट को जानते नहीं हैं। जिस मनुवादी व्यक्ति ने अत्याचार किया उसके खिलाफ हमने FIR लिखवा दी, क्या वो शांत हो गया? नहीं हुआ। कारण ये है मन की दशा। सारी बीमारियाँ तो चित्त में बैठी हुई हैं और हम इलाज बाहर ढूंढ रहे हैं। हम उसी तरह संस्कृति इस देश में काबिज हो जाएगी तो हमें ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि MLA कौन बन रहा है, MP कौन बन रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री कौन है। अगर वह समरवादी संस्कृति का प्रधानमंत्री होगा तो इस देश के लिए निसंदेह अच्छे काम करेगा। वह गलत काम आपके लिए कर ही नहीं सकता, वह जातिवाद नहीं करेगा, वह सांप्रदायिकता का नहीं फैलाएगा, वो हिंसा नहीं करेगा, वो वही करेगा। भी कोई ऐसी समस्या आए, कोई गाली दे, कोई पत्थर मारे, कोई हिंसा करे, तो सबसे पहले हमें प्रत्युत्तर में हिंसा नहीं करनी है, ये समर संस्कृति है। रुकावट तो रोक तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कोई आए और हमें मार के चला जाए, ये भी भगवान बुद्ध की संस्कृति नहीं है। सेल्फ डिफेंस की जायत हमें जो है समर संस्कृति देती है। भगवान संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, संविधान दिवस भी इसीलिए मना रहे हैं कि संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए कानून आपके लिए जो है एक इंस्टेंट रिलीफ है, तत्क्षण आपको किसी बीमारी से निजात दिलाने का एक पेन किलर के रूप में काम करते हैं, लेकिन वो आपका परमानेंट रिलीफ के तौर पे काम नहीं करते। अगर आपको परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आपको अपने चारों तरफ का वातावरण उसको स्वस्थ बनाना पड़ेगा, उसको सुसंस्कृत करना पड़ेगा, जो कि आज बहुत ही जहरीला वातावरण आपको देखने को मिलता है। जो धम्म है, जो ये समर संस्कृति है, वो चित्त पर आधारित है, जिसकी मैंने बात कही कि मन, हमारे मन के भीतर हमारे मन का जो विकास हुआ है, हम जब से हमने जन्म लिया आज तक जो हमने देखे हैं कि कैसी संस्कृति के परिवेश में हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पर चारों तरफ क्रोध ही क्रोध है, जहाँ पर ये बात होती है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। भगवान बुद्ध की संस्कृति तो ये नहीं है, लेकिन हम में से जो हम कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, क्या हम समरवादी संस्कृति को भी मानने वाले हैं? क्या हमारे मनों का विकास समर संस्कृति के अनुसार हुआ है? भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि ना ही वेरेण वेराणी समन्ति पुरातनं अवेरेण च समन्ति ऐस धम्म सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देकर क्या हासिल करना चाहते हैं?
सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और जो समय दिया है 10 मिनट का, हालांकि जो बातें रखनी है बहुत कम है, लेकिन 10 मिनट का समय मिला है तो महत्वपूर्ण समय है। और इसमें मैं अपनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जो काम मैं कर रहा हूं, उसके अंतर्गत ही बातें रख देता हूं। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, मैं सोचने पर मजबूर होता हूं। मैं देखता हूं कि हमें से हर एक को जो है इस अनुभव से गुजरना पड़ा होगा कि कई बार हमें शरीर में दर्द होता है और पीड़ा होती है, तो हम कई बार पेन किलर लेकर आराम कर लेते हैं और काम चलता रहता है। कई बार हम आलसी हो जाते हैं, दोबारा दर्द होता है तो फिर दोबारा से पेन किलर ले लिया और काम पर चल पड़े। लेकिन जो बीमारी है उसको अच्छी तरह से डायग्नोज करने का हम लोग काम नहीं करते, जांच करने का काम नहीं करते आखिर बीमारी क्या है। और इसी तरीके से जो लोग केवल पेन किलर लेकर ही काम चलाते रहते हैं, उनको एक दिन ये समाचार मिलता है कि वे किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं और अब उनकी बीमारी जो है लाइलाज हो गई है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ में हो रहा है। जो हमारे समाज में बीमारी है उसका इलाज हम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम प्रयास क्या कर रहे हैं कि जो मुद्दे हमें दिखाई देते हैं उसी पर हम उछल कूद करने का काम कर लेते हैं, और ऐसा लगता है कि वो मुद्दा हमने जीत लिया है, उसमें हमें रिलीफ मिल गया है तो सारा काम सही हो गया है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो बहुजन समाज जिसकी हम बात करते हैं, इसका उद्धार करने के लिए तमाम वो बातें कहीं, तमाम उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो इसकी असली बीमारी की वजह थी। दवा भी दी, लेकिन समस्या ये रही कि बहुत कम लोग इस बात को समझ पाए कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें क्या दवा दी, हमें किस बीमारी से आगाह किया। अधिकतर लोग जो है इस बात से वाकिफ नहीं है। हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर जो है, फिजिकल हम दिखाई दे रहे हैं, हमारे शरीर दिखाई दे रहे हैं, तो इस शरीर को बनाने में हमने जो है कुछ ना कुछ पोषण युक्त खाना खाया होगा, भोजन लिया होगा, तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जो स्वस्थ शरीर है वे कह सकते हैं कि मैंने पोषण वाला खाना खाया है, इसलिए मेरे जो शरीर है मेरा वो स्वस्थ है, अच्छा शरीर है। इसी प्रकार से मन का भी निर्माण हुआ है, मन का भी विकास हुआ है। जो मन का विकास होता है उसके लिए हमारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, हमारा वातावरण जिम्मेदार होता है। क्या हमने ये निश्चित किया कि जो हमारे मन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, क्या वास्तव में जो परिस्थितियों जिनके अंदर हमारे मन का विकास हुआ, क्या वास्तव में वो स्वस्थ परिस्थितियाँ थीं, पोषण उनमें था, क्या वास्तव में हमारा मन स्वस्थ है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब इस समाज के दुख दर्द को देखते हैं, उसके उद्धार की बात करते हैं, तो थोड़ा सा इतिहास पीछे झांक कर देखते हैं कि समस्या कहां पर थी, कहां से शुरू हुई, तो वह इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि समस्या इतिहास में ही है। और क्या समस्या है कि लगातार इस देश में दो संस्कृतियों का युद्ध चल रहा है, द्वंद चल रहा है, एक ब्राह्मण संस्कृति है और एक समर संस्कृति है, जिसे आजकल लोग जो हैं अम्बेडकरवाद के नाम से ज़्यादा जानते हैं। समर संस्कृति की बात कोई नहीं करता है और अम्बेडकरवाद की बात करते हैं। अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद, लड़ाई बताई बाबा साहेब ने, समरवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद, और आज लड़ाई हो गई है अम्बेडकरवाद और मनुवाद की। तो हम लोगों ने ये समझने का काम ही नहीं किया कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का हल जब संविधान लागू हो गया, देश स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, उसके बाद संविधान लागू हुआ, तो बाबा साहेब ने समाज को आह्वान करते हुए कहा कि आपकी सभी समस्याओं का जो हल है वो राजनीतिक सत्ता में है, आपको राजसत्ता प्राप्त करनी है। अब केवल इस बात को पकड़कर बहुत से लोगों ने पार्टियां बना ली, संगठन बना लिए और लगे राजसत्ता को हासिल करने में, आज भी प्रयास चल रहा है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने केवल इतना कहकर ही नहीं रुके कि राजनीति सत्ता आपकी सभी समस्याओं का हल कर देगी,
ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि सभी समस्याओं का हल आपका राजनीतिक सत्ता में है, लेकिन उससे बढ़कर कि राजनीतिक सत्ता आप हासिल कैसे करेंगे, जैसे कि संदीप ने बताया अभी पहले कि महाराष्ट्र के लोगों ने साहेब मान्यवर कांशीराम जी को ये कहना शुरू कर दिया कि हो सकत नाही, हो सकत नाही, हो सकत नाही, और मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने उसी अम्बेडकरवाद के आधार पर सत्ता हासिल करके ये दिखा दिया कि हो सकत है, हो सकत है, हो सकत है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर सही तरीके से पढ़ने का किसी ने काम किया तो वो मान्यवर कांशीराम जी ही थे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जिन लोगों की धार्मिक और सामाजिक आंदोलन मजबूत होते हैं उनकी राजनीतिक सत्ता उनको प्राप्त होती है और चिर स्थायी बनी रहती है। और लगातार हम ये इस देश में देख भी रहे हैं कि जिन लोगों की सत्ता इस देश में काबिज है उन लोगों ने उसी बात पर काम करने का काम किया है जो परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। उन लोगों ने अपनी संस्कृति को मजबूत करने का काम किया। मान्यवर साहेब कांशीराम जी के सामने थोड़ी समस्या थी, जब उन्होंने देखा कि परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन करने पड़ेंगे तब जाकर हमें जो है सत्ता हासिल होगी, तो उन्होंने नज़र घुमाई तो देखा कि उनका समाज अभी धार्मिक आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। धार्मिक रूप से वो बहुत जबरदस्त अंधविश्वास और पाखंड में फंसा है। अगर यहाँ पर धार्मिक परिवर्तन की बात कही तो उल्टा पड़ जाएगा, इसीलिए उन्हें फिलहाल जो है धार्मिक आंदोलन नहीं सामाजिक आंदोलन करना पड़ेगा। और सामाजिक आंदोलन कर उन्होंने जो है एक समाज को इकट्ठा कर लिया। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब ने कहा था कि सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है, हजारों साल से सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है, और ये सांस्कृतिक युद्ध है क्या? अगर मैं आप लोगों से यहाँ पूछूं, जानना चाहूं कि हमारे मनों का विकास हुआ है, सभी बैठे हैं, मन और तन दोनों लेकर बैठे हैं, तो आपके मन का विकास क्या समर संस्कृति के हिसाब से हुआ है? कोई भी मुझे बताने का काम करेगा हाथ उठाकर कि हाँ मेरा जो विकास है मेरे मन का वो समर संस्कृति के हिसाब से हुआ है। कोई तैयार है इस बात के लिए? समर संस्कृति के हिसाब से हमारे मनों का विकास नहीं हुआ है। अभी आप एक बात और देखें, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही सही कहते हैं कि सांस्कृतिक युद्ध है और जो इस सांस्कृतिक युद्ध में विजेता होगा उसका सब कुछ होगा। पिछले 100 साल में अगर हम देखें और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम लगातार देखें तो यहाँ इस देश में कांग्रेस सरकार रही, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक संस्कृति के लोगों का उस कांग्रेस पर भी कब्जा रहा, बेशक बीजेपी सरकार नहीं थी। आज आपको प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी सरकार दिखाई देती है, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की संस्कृति है। इसी प्रकार से जो परम पूज्य बाबा साहेब जिस बात की ओर इशारा करने का काम कर रहे हैं कि यदि सत्ता में, और बाबा साहेब ने संविधान सभा में ये कहा भी था, संविधान सौंपते हुए जब उनसे पूछा गया कि ये संविधान कैसा है तो कहा था कि ये संविधान वैसा ही है जैसा इस देश को चलाने वाले सत्ता में आएंगे, उनकी जैसी मानसिकता होगी, जैसी नीयत होगी, वैसा ही ये संविधान व्यवहार करने लगेगा। भ्रष्ट लोगों के हाथ में पड़ेगी तो भ्रष्ट आचरण इसका दिखाई देने लगेगा। यह संविधान चलाने वाले लोगों की नियत पर आधारित रहेगा। तो ये जो समर संस्कृति है और जो ब्राह्मण संस्कृति है इसमें फर्क क्या है, ये समझने वाली बात है। ब्राह्मण संस्कृति जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं कि भेदभाव पर आधारित है, बहुत मोटे मोटे स्तर पर जानते हैं, लेकिन उसके अलावा हिंसा पर आधारित है, उसके अलावा व्यवचार पर आधारित है, मनोरंजन पर आधारित है, तमाम वो प्रमाद के साधन वहाँ पर उपलब्ध हैं जिनसे कि एक व्यक्ति को लुभाया जा सकता है, भटकाया जा सकता है। और येन केन प्रकारेण अभी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से भी हासिल हो, सत्ता हासिल हो, वो करके दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ जब समर संस्कृति की बात करते हैं तो परम पूज्य बाबा साहेब जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं वो संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, विषय बहुत गंभीर है, काम बहुत मुश्किल है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि फंदनंग चप्पलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकार हो वह तेज नंग, कि जो चित्त है यानी जो मन कह सकते हैं इसको कि बहुत ही चपल है, क्षणिक है, बहुत मुश्किल चीज़ है ये, जरासी देर में इधर भागता है, जरासी देर में इधर भागता है, और इसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। और इसको मेधावी पुरुष वैसे ही सीधा करते हैं, वैसे ही नियंत्रित करते हैं जिस प्रकार से एक बाण को बनाने वाला व्यक्ति बाण को सीधा करता है। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जो ये समर संस्कृति है, वो चित्त पर आधारित है।
जिसकी मैंने बात कही कि मन, हमारे मन के भीतर हमारे मन का जो विकास हुआ है, हम जब से हमने जन्म लिया आज तक जो हमने देखे हैं कि कैसी संस्कृति के परिवेश में हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पर चारों तरफ क्रोध ही क्रोध है, जहाँ पर ये बात होती है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। भगवान बुद्ध की संस्कृति तो ये नहीं है, लेकिन हम में से जो हम कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, क्या हम समणवादी संस्कृति को भी मानने वाले हैं? क्या हमारे मनों का विकास समण संस्कृति के अनुसार हुआ है? भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि ना ही वेरेण वेराणी समन्ति पुरातनंग अवेरेण चय समन्ति ऐस धमु सनतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देकर क्या हासिल करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, संविधान दिवस भी इसीलिए मना रहे हैं कि संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए कानून आपके लिए जो है एक इंस्टेंट रिलीफ है, तत्क्षण आपको किसी बीमारी से निजात दिलाने का एक पेन किलर के रूप में काम करते हैं, लेकिन वो आपका परमानेंट रिलीफ के तौर पे काम नहीं करते। अगर आपको परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आपको अपने चारों तरफ का वातावरण उसको स्वस्थ बनाना पड़ेगा, उसको सुसंस्कृत करना पड़ेगा, जो कि आज बहुत ही जहरीला वातावरण आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जहाँ हमारा ध्येय अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने पर होना चाहिए, उसका विकास करने पर होना चाहिए, अभी तो हम उस संस्कृति के बारे में जानते ही नहीं हैं। अभी कितने लोग हैं जो भगवान बुद्ध की इस बात को जो है महत्व प्रदान करते हैं, जब मानने का काम करते हैं या थोड़ा बहुत जानने का भी काम करते हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। है कोई यहाँ पर अम्बेडकरवादियों में? बहुत अच्छा, यानी कि अगर हमारे सामने कभी भी कोई ऐसी समस्या आए, कोई गाली दे, कोई पत्थर मारे, कोई हिंसा करे, तो सबसे पहले हमें प्रत्युत्तर में हिंसा नहीं करनी है, ये समर संस्कृति है। रुकावट तो रोक तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कोई आए और हमें मार के चला जाए, ये भी भगवान बुद्ध की संस्कृति नहीं है। सेल्फ डिफेंस की जायत हमें जो है समर संस्कृति देती है, भगवान बुद्ध देते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि अगर हमारी संस्कृति इस देश में काबिज हो जाएगी तो हमें ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि MLA कौन बन रहा है, MP कौन बन रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री कौन है। अगर वह समणवादी संस्कृति का प्रधानमंत्री होगा तो इस देश के लिए निसंदेह अच्छे काम करेगा, वह गलत काम आपके लिए कर ही नहीं सकता, वह जातिवाद नहीं करेगा, वह सांप्रदायिकता का नहीं फैलाएगा, वह हिंसा नहीं करेगा, वो वही करेगा जो भगवान बुद्ध के विचार हैं। तो कुल मिलाकर जो परम पूज्य बाबा साहब कहते हैं कि हमें जो है इंस्टेंट रिलीफ संविधान अवश्य देता है, संविधान के भीतर जो छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान किया गया उसके लिए कानून बन गया, किसी पर अगर अत्याचार होता है जातिवाद के आधार पर तो तुरंत जाकर FIR लिखवा देते हैं, लेकिन उस FIR के लिखवाने के बाद क्या वो मामला शांत हो जाता है? जिस मनुवादी व्यक्ति ने अत्याचार किया उसके खिलाफ हमने FIR लिखवा दी, क्या वो शांत हो गया? नहीं हुआ। कारण ये है मन की दशा, सारी बीमारियां तो चित्त में बैठी हुई हैं और हम इलाज बाहर ढूंढ रहे हैं। हम उसी तरह से इलाज ढूंढ रहे हैं जैसे कि एक बुढ़िया, उसकी सुई खो गई तो एक जो खंभा था उस पर रोशनी लगी हुई थी, बल्ब लगा हुआ था, नीचे बहुत रोशनी थी, उसमें जो है सुई खोजने लगी। एक आदमी आया, वो भी उसकी मदद करने लगा कि बुढ़िया माई मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ और सुई खोज देता हूँ। बहुत देर हो गई, सुई नहीं मिली वहाँ पर। बहुत देर बाद वह व्यक्ति बोला कि बूढ़ी माई, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी सुई यहीं खोई थी? तो बुढ़िया बोलती है कि नहीं बेटा, सुई तो कुटिया में खोई थी, पर रोशनी यहाँ है इसलिए मैं सुई यहाँ ढूंढ रही हूँ। यही हाल हमारे समाज का है। समस्या का इलाज तो हमारा संस्कृति में है, लेकिन हम जो है लगातार संविधान संविधान और कानून चिल्ला रहे हैं। संविधान और कानून आपके लिए बेहद ज़रूरी है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन वो आपके लिए इंस्टेंट रिलीफ का काम कर सकता है, एक पेन किलर का काम कर सकता है, लेकिन आपको अपने चारों ओर जो मनुवादियों से घिरा हुआ समाज है, मनुवादी संस्कृति से आपका ही अपना समाज जो लिप्त है, उसको सुधारने की संभालने की भारी आवश्यकता है। आप कहते हैं कि 85% हम हैं, लेकिन 85% पे आप देखिए कि कितना परसेंट समाज जो है उस संस्कृति को मानने वाला है। अभी राजस्थान में चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, वहाँ पे एक मंत्री जी हैं गोविंद राम मेघवाल जी, सुबह सुबह देख रहा था रिजल्ट जो है कि पीछे चल रहे हैं। पीछे चलने का कारण क्या था? राजस्थान में आप जाकर देखिए तो मेघवालों का बहुत भवैल्य है, बहुत भारी तादाद में है। अगर इस देश के, इस समाज के लोग तैयार होते
तो गोविंद राव मेघवाल ने जो वहाँ पे सामाजिक परिवर्तन की लहर चलाई, जो उस पार्टी में रहते हुए भी आपके मिशन मूवमेंट की बात लगातार करते रहे, तो उसके बाद तो उनको हराने का दम किसी में होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हार रहे हैं और उस तरह हार भी गए हों। कैसे हार गए? आपके मिशन मूवमेंट का आदमी हार गया, आपकी संस्कृति की बात करने वाला आदमी हार गया। वो इसलिए हार गया क्योंकि आपके चारों ओर जो आपके ही लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, वो हमारी संस्कृति को जानते नहीं हैं, वो हमारे मिशन मूवमेंट को जानते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर समय बहुत कम दिया है, बहुत विस्तार चर्चा की अस्थिति थी। धमपत ट्रस्ट का निर्माण इसीलिए किया गया कि सांस्कृतिक परिवर्तन करना है। जिन लोगों को संविधान बचाना है बिल्कुल बचाएं, हम उनके साथ खड़े हैं। जिन लोगों को कानून बचाने हैं कानून बचाएं, हम साथ खड़े हैं। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है उसको हम ना भूलें। जब तक उस अहम मुद्दे पर काम नहीं होगा, सांस्कृतिक परिवर्तन पर काम नहीं होगा, जब तक जो संस्कृति हिंसा की बात करती है, साम दाम दंड भेद की बात करती है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करती है, उस संस्कृति से तो निजात नहीं पाओगे, तो आप अपने आप को हमेशा खतरे में ही पाओगे। हमें अपने दुश्मन को सुधारने की नीति अपनानी है, उसको ख़त्म करने की नीति नहीं अपनानी है। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को मारा नहीं, प्रसेंजित को भेजकर उसकी हत्या नहीं करवाई, बल्कि उसके पास निहत्ते जाकर, बगैर सेना के जाकर उसको सुधार कर समाज में लेकर आए, उसको भिक्षु बनाया, अरहत भिक्षु बना दिया। और वही हत्यारा जो समाज का नुकसान कर रहा था, भिक्षु बनने के बाद समाज का कल्याण करने लगा। और इसी प्रकार से हमें जो है इस समाज में जो लोग आज हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखकर उनके चित्तों पर भी काम करें, उनकी दशा सुधारने का काम करें, क्योंकि गाली देने से वो सुधरने वाले नहीं हैं, मूछों पर ताव देने से हम जीतने वाले नहीं हैं। अगर हम जीतेंगे तो हमारी अपनी संस्कृति के आधार पर जीतेंगे, और जो हमारी जीत होगी वो परमानेंट होगी, उसको फिर हराने वाला कोई नहीं होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।